तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ जी जी मॉज प्रो एप्लीकेशन में आप फास्ट रिमोट कैसे लगा सकते हैं, फास्ट रिमोट का सेटिंग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ बताने वाला हूँ आप ग्लू बॉल परमानेंट ग्लू बॉल कैसे लगा सकते हैं कि आप एक बटन दाबेंगे या ग्लू बॉल के साथ साथ आपका कैरेक्टर ही बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। को फास्ट रिमोट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर जो जी जी माउस प्रो एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। फिर एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक की ऐड कर लेना है। तो मैं पहले यहाँ पे कोई ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ की आ गया। यहाँ पर आपको फिर से एक बार करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बटन रख देना है कीबोर्ड का। तो मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ। 4 रखने के बाद यहाँ इमोट वाले ऑप्शन पर रख देना है। रिमोट वाले ऑप्शन पर रखने के बाद आपको दोस्तों इस पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और डिले टाइम को एकदम 0 कर देना है। उसके बाद माइक्रो वाला ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ लूप वाला जो ऑप्शन है इसको लूप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिट वाला ऑप्शन है यहाँ एडिट वाले पे क्लिक करना है। एडिट वाले पे क्लिक के बाद यहाँ पे टैप जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका टाइम एकदम 0 कर देना है। इसको घटा के एकदम 0 कर देना है, 10 पे कर देना है। तो दोस्तों यहाँ 10 पे हो गया। 10 करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट पोजीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आ गया है कि इसको आपको इमोट वाले ऑप्शन पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करके आप यहाँ से फिर से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इमोट मेरा कितना फास्ट हो गया। तो यहाँ पे 4 टच करके देख सकते हैं दोस्तों कितना फास्ट इमोट कर रहा है। कर सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार केवल टैप करके रखा हूँ और ये इमोट मेरा दिखाते जा रहा है। उसका दोस्तों आप ग्लू बॉल के लिए भी फास्ट कर सकते हैं। बैठ के एक बार तुरंत बैठ के आप ग्लू बॉल मार सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जी जी माउस प्रो पे। फिर एडिटर वाले में जाना है। एडिटर में जाने के बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको की ऐड कर लेना है। तो मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई की ले लेता हूँ, शिफ्ट ले लेता हूँ। शिफ्ट लेके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ मेरा ग्लू बॉल वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट जो लिया है उस पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद माइक्रो वाले ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एडिट करना है। फिर आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो टैप वाला है। इस पर टैप करके दोस्तों यहाँ पे इसका डिले टाइम एकदम कम कर देना है। तो यहाँ से मैं इसका डिले टाइम कम कर देता हूँ। तो 10 कर देना है। फिर एडिट पोजीशन पे करना है। तो ये वाला पहला वाला आपको ग्लू बॉल जहाँ आपका है वो ग्लू बॉल वाली जगह पे रखना है। तो यहीं मेरा ग्लू बॉल है तो यहाँ ग्लू बॉल वाली जगह पे रख देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको यहीं पे डबल टैप करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद एक और की लेना है तो टैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका डिले टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे इसको ऐसे ही रहने देना है। एडिट पोजीशन पे क्लिक करना है। दूसरे वाले को आपको जहाँ बैठने वाला है आपका बटन वहाँ पे आपको दो नंबर को रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। फिर से डन करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा फास्ट ग्लू बॉल कितना तेज़ी से फेंकेगा। तो मैं ग्लू बॉल वाले में पहले चल जाता हूँ। यहाँ से मैं ग्लू बॉल पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। अब आपको दिखाता हूँ मेरा ग्लू बॉल कितना फास्ट लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी देखिए बैठ के लग रहा है कितना फास्ट है। तो दोस्तों, किसी इस प्रकार से आप फास्ट रिमोट और फास्ट ग्लू बॉल का सेटिंग करके आप प्रो प्लेयर बन सकते हैं। अगर आपको खेलना आता है, अगर नहीं खेलना आता है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।